रिवीजन लिखो और उसका जो तुम हाँ लिखो लिखो, लिखने से क्या होता है, याद चीज़ों याद होता है, लिखो 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 लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है इन विच एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सर नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसका तुम्हारा एक्सेलरेशन जो होगा तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन का, सॉरी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। जहां भी तुमको इस प्रकार का इक्वेशन दिख जाए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो समझ जाना वो कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे मानो कि जैसे हमारा ये है और ये तुम्हारा मानो मीन पोजिशन हो गया, और मीन पोजिशन से पार्टिकल क्या हो रहा है सर, यहाँ पे पार्टिकल है और ये हम इसको क्या डिस्प्लेस कर दिए, एक्स डिस्प्लेस कर दिए, तो इसी केस में ये इसी का फॉर्मूला है। अच्छा यहीं से हम लोग यदि हम लोग कराता है एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो माइनस का के इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत है, बताओ ना क्या दिक्कत है। हम यहाँ बताए थे याद दो, तुम याद नहीं है शायद, प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे के नहीं हुआ, यहाँ क्या ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब वो हम लोग डाइट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, ठीक है, याद है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और यह प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो, और ये क्या था तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एफ, ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये इंपॉर्टेंट है, ओमेगा यहाँ पे क्या था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा क्या है तुम्हारा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अच्छा एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी जानता है क्या होता है, दो डिफरेंट चीज़ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये हमारे मानो ये ऐसा पेंडुलम इस पाथ पे ऑसिलेट कर रहा है, ये पाथ पे पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे आया तो यहाँ पे आ गया मैक्सिमम, ये रहा, और यहाँ पे ये मैक्सिमम, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ मैक्सिमम है यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ का मैक्सिमम तो ये थीटा और ये भी थीटा, तो इस पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना होगा, एक बार बताओ मीन पोजीशन पे, देखो हमें इस पूरे एसएचएम में एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हम देखें ना यहाँ पे कि ओमेगा स्क्वायर क्या था तुम्हारा, कांस्टेंट था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या लिखे, ओमेगा स्क्वायर लिखे, और वो क्या था यहाँ पे, वो पता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, के बाय एम, तो ओमेगा का रूट अंडर के बाय एम, यहाँ एम क्या है, ये के हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इस प्रकार से ओमेगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब पूरे एस ऑसिलेशन में ओमेगा तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन यदि मतलब क्या तुम्हारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, यहाँ पर पूरा ऑसिलेशन में कांस्टेंट है, लेकिन तुम एंगुलर वेलोसिटी का बात करेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, दैट मीन्स कितना डिग्री वो एंगल चेंज हो रहा है। तो पता देखो यहाँ पे एंगल कितना है, इस पार्टिकल जो तुम्हारा कहाँ था, यहाँ तक पहुँचा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है, थीटा इस जगह पे बात करो, इस जगह थीटा तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू थीटा का, मतलब इसके बाद क्या थीटा चेंज नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे थीटा क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। और तुम बता जहां पे मैक्सिमम हो उसका डेरिवेटिव समय के साथ जीरो होता है, उसका डेरिवेटिव समय के साथ, देखो यदि डेरिवेटिव समय के साथ जीरो है, ये डेरिवेटिव जीरो है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। कैलकुलस में पढ़ना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव को क्या करते हैं, जीरो करते हैं,
उसी प्रकार एक थीटा यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो, जीरो, और ये डी थीटा बाय डी टी बाय डी, ये जो है ये कहलाता है, क्या होता है, डी टी डी थीटा बाय डी टी, ये हो गया तुम्हारा ओमेगा यहाँ पे जीरो। सिमिलरली यहाँ पे थीटा मैक्सिमम है तो यहाँ पे भी तुम्हारा जो ओमेगा आगा ये क्या होगा, जीरो। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इस प्रकार पे देखो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एंगुलर ओमेगा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ऐसा ओमेगा क्या है यहाँ पे मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं, हम बोलना यह चाह रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो पूरा थ्रू आउट दी ऑसिलेशन कॉन्स्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट दी मोशन क्या कॉन्स्टेंट है, बट एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग। इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी को मत सेम समझ करके माथा मची मत करना, ठीक है, बस समझ आ गया। खैर चलो हम लोग आगे चलते हैं। क्या पॉइंट है, थोड़ा पॉइंट देखने तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बता दिए। अब एक दो और दूसरा पॉइंट है, मीन पोजिशन क्या होता है, मीन पोजिशन बताओ क्या होता है। मीन पोजीशन ये वो पोजीशन है जहाँ पे फोर्स जो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मीन पोजीशन में नेट फोर्स क्या होता है, इसको मीन पोजीशन नेट फोर्स मैक्सिमम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मीन दो मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स होगा तुम्हारा एफ जो होगा, एफ नेट ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कभी मीन पोजीशन निकालने देगा, मीन पोजीशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो, दोनों एक ही है। कभी भी मीन पोजीशन निकालने देगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने देगा, तो इसका अंदर नेट फोर्स कर देना, जीरो कर देना, कोई दिक्कत भाई साहब। तो यदि सपोज करो कि हमारा क्या था कि एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था, ठीक है। यदि फोर्स जीरो तो इसका अंदर एक्सेलरेशन जीरो, ये जीरो इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो। बस यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मीन पोजीशन तुम्हारा कहाँ पे है, मीन पोजीशन कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। इस तो एक बार और क्लियर हुआ, यदि तुम्हारा ऐसा तुम्हारा ये इक्वेशन है, दिस यदि ऐसा इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो उसका मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे, बात क्लियर है। यदि ऐसा इक्वेशन तुम्हें दिख रहा है तो उसका मीन पोजीशन कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। यदि तुमको ऐसा इक्वेशन दिखे, ए इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, तो इस कंडीशन में तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन बताओ एक्स नॉट पे होगा। यहाँ पता थे ना यार, है एक सवाल भी करवाए थे जहाँ पे एक्स नॉट पे तुम्हारा क्या था, मीन पोजीशन था, ठीक है। तो यदि ऐसा फॉर्मूला दिख रहेगा तो एक्स नॉट पे तुम्हारा मीन पोजीशन होगा, यदि ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा मीन पोजीशन होगा, बात क्लियर है देवानंद, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे मीन पोजीशन, तुम जो सॉल्व भी करो तो वही आंसर आया, तुम देख लो कि ए इक्वल टू है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हो गया, ठीक है। तो पता लगा कि तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे है, एक्स नॉट पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीन पोजीशन, क्लियर है बात। आगे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो निकाला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इस इक्वेशन में तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो पे होगा, ये तुम्हारा मीन पोजीशन। यदि ऐसा इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट, ये ऐसा फिर से लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे होगा बताओ, यहाँ पे मीन पोजीशन एक्स नॉट पे होगा। जरा फास्ट नहीं जा रहे ना पढ़ाई में, इसलिए थोड़ा फास्ट खींच रहे, बस समझ में नहीं, तो ये आज यहीं रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बस समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन हो, इसे ऑब्वियसली हम बताएं ना, यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, तो मीन पोजीशन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है किसका प्रोपोर्शनलिटी है ये इसके, तो तुम्हारा मीन पोजीशन कहाँ पे होगा, एक्स नॉट पे होगा। कोई दिक्कत है इसमें दोबारा, कोई दिक्कत है ना। तो इसका हम लोग सोल्यूशन में डिस्कस कर चुके थे, यदि ऐसा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या था, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हम बताए थे, और हम बताए थे ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, ये क्या है, सेकंड डिफरेंस टू सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्यूशन ऑफ सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। सो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन को याद करना पड़ता है, मानना पड़ता है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इफ यू वांट टू प्रूव इट, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पुट करो और प्रूव कर लो, देखना कि इसको सॉल्व करने पे जीरो ही आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक।
तो हमारा जो इक्वेशन है, फिर एक्स इक्वल टू क्या है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन ऑट, ये दिस इज इक्वेशन, जहां पे हम लोग क्या बोले थे, ए जो हमारा क्या है, सरासरी तो ऑन, यहाँ पे ए तुम्हारा क्या है, ये था हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड बताया था क्या था, ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या बताया था, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ओमेगा क्या है तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का क्या था, 2π/T होता है। एक और बताओ, फ्रीक्वेंसी जो होता है तुम्हारा वो होता है 1/T, तो इसीलिए हम लोग हमारा ओमेगा का 2π/T था, तो 1/2 क्या ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, 2π f ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा का दो फॉर्मूला था, 2π f और ओमेगा क्या हो गया, 2π/T हो गया, ठीक है। दिस इज दो फॉर्मूला तुम्हारा ओमेगा का हो गया, ये क्लियर हो गया। यहाँ फाई क्या है, यह इनिशियल फेज क्या बताता है कि टाइम जीरो पे पार्सल कहाँ पे है, इसके बारे में कौन बताएगा, इनिशियल फेज क्या बताएगा कि टाइम जीरो पे पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। और ये पूरा तो यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा, ये क्या कहलाता है, फेज। ये बताता है टाइम टी पे पार्टिकल कहाँ पर है, बस क्लियर है, पार्टिकल कहाँ पर टाइम टी पे, ये कौन बताएगा, तुम्हारा फेज बताएगा, इनिशियल फेज क्या कौन क्या बताएगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत। और बताए हम क्या बताए थे हम लोग, और हम लोग बताए थे कि हमारा जो फेज स्पेस है यहाँ पे एक्स और मोमेंटम वेलोसिटी, इस पर हमारा जो बनेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा बनेगा, इलिप्स के फॉर्म में बनेगा, बताए थे याद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा बनेगा, इलिप्स के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ये वाले नहीं है, ठीक। और कुछ बात कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारा निकला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाले थे, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये निकाले थे। एक्सेलरेशन क्या निकाले थे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये निकाले थे। एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी निकाले थे, याद होगा एक्स इक्वल टू हमारा क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, यहाँ से हम लोग क्या निकाले थे, याद है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकाले थे। एक्सेलरेशन क्या निकाला था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, याद है ये सब। और बताओ एनर्जी निकाले थे, ये तो क्या था, कांस्टेंट है एनर्जी कांस्टेंट था, तो फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये क्या सा है, टोटल एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी निकाले थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी भी इतना ही आया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सब फॉर्मूला लोग निकाल चुके हैं ना, तो ठीक है, ये सब फॉर्मूला तुम लोग देख लेना, ठीक, इरेज करते हैं, ये सब लिखा हुआ है ना, ठीक है। ठीक है, और लिख लो यहाँ पे, थोड़ा लिखना, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहला पॉइंट देखो, हमको देखो, ये हो तुम्हारा है, ये हो गया तुम्हारा माइनस ए और ये हो गया तुम्हारा प्लस ए, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक। अब ये हमारा दिस इज द मेन पोजिशन, मान लेते हैं कि समय जीरो था तो पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा बताओ, समय T/4, एक बार यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, T/4, फिर वापस यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा, 2 × T/4, कितना होगा, 2 × T/4, कट गया यहाँ से कितना हो गया, T/2,
होगा। फिर यहाँ से यहाँ एम कितना लगेगा, 3 × t/4 कितना, तो यहाँ 0 t/4, 2 t/4, 3 t/4, तो 3 t/4 कितना होगा, 3 t/4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आ गया क्या, 4 × t/4 कट जाएगा, कितना हो गया, टाइम टी हो गया। बस समझ में आया, दो यहाँ से यहाँ हम ये हमारा मेन पोजिशन टी बाय फोर, ठीक है। फिर 2 t/4 सॉल्व करेंगे तो t/2 आएगा, 3 t/4 ठीक है सॉल्व करेंगे तो 3 t/4 ही आएगा। फिर यहाँ से 4 t/4, तो 4 t/4 क्या होगा, 4 कट जाएगा तो t बच जाएगा। तो दिस इज द वन पीरियड ऑसिलेशन, तो एक टाइम पीरियड में पूरा एक ऑसिलेशन है, कोई दिक्कत है भाई साहब। टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन, टाइम टेकन फ्रॉम मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन कितना लग रहा है बताओ, इज t/4। मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन में पहुंचने में t/4 लगता है, तो मतलब यहाँ से गया t/4, वापस t/4, बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये वाला पॉइंट लिख लो, तो ये वाला पॉइंट लिख लो ना, लिख लो, ठीक है। एक और बात क्या बात है कि तुम्हारा जो टाइम पीरियड होता है ना, वो दो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड और फोर्स। मतलब सपोज करो, देखो टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा तो कैसे, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, अब इसको हम लोग इधर ऑसिलेट करा दिए, ठीक है। तो एक तुम हम लोग याद है, हम लोग जब झूला झूल रहे थे तो तुम देखा था उसका शुरुआत में, हम जब जैसे झूला है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा झूला है, ऐसे ये झूला है, यहाँ धक्का मारे तो ये पूरा एकदम हाई तक गया, फिर इससे आगे यहाँ तक हाई तक आया। इस समय हम लोग टाइम पीरियड निकाले थे, याद है, तो लगभग 4 सेकेंड के आसपास आ रहा था ये, और फिर क्या हुआ ना कि थोड़ा धीरे हो गया था समय के साथ, तो उस समय जो धीरे हो गया था तो वो इतना दूर गया और यहाँ से यहाँ तक गया। इस समय भी हम लोग लिखे थे टाइम जो है ना सेम ही आया था, हम लोगों दिखाए भी थे, याद है टाइम हम लोग मोबाइल में दिखाए थे, ये सब लोग पूरा फोर्स लगा दिए उस समय, अरे माँ बोले हैं, सोचा कुछ नहीं बोले हैं, हम बोले कि हम सिर्फ अरे माँ बोले हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोले हैं, क्या पता तुम लोग क्या सोच लेगा क्या, ये यार ये कैसा दिमाग खराब कर दिया बेटा। ठीक है, तो वही हम यही बता रहे थे कि एम्पलीट्यूड पे तुम्हारा टाइम पीरियड और सॉरी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, ये को ये लिख सकता है पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, यहाँ लिख सकता है कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। नहीं, एक बार चर्च में गैलीलियो सर है ना, गैलीलियो चर्च में बैठा हुआ था, तो चर्च में क्या होता है ना, वो कैंडल लटकाने वाला होता था ऐसे करके, और उसमें कैंडल यहाँ लगाता था, तो हवा आया ना, वह कैंडल हिलने लगा, तो गैलीलियो क्या कि अपना पल्स रेट पकड़ के चेक कर रहा था कि यहाँ से यहाँ आने में कितना पल्स लगा, तो कुछ आया होगा पल्स, कुछ पल्स रेट आया होगा। फिर हवा का झोंका पड़ा ना, तो और एकदम लंबा लंबा ऑसिलेशन करने लगा, फिर वो चेक किया कि भाई साहब इधर लंबा लंबा आ रहा, अब कितना समय लग रहा है, तो उसको देखा क्या दोनों मतलब सेम ही लग रहा था, तो ये बहुत उसके लिए मतलब अचंभा था। हाँ, ये दोनों में हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका और तेज कर दिया, लेकिन टाइम पीरियड अभी भी कितना ही है, सेम ही है, क्योंकि उसमें तो पता चला क्या कि एम्पलीट्यूड जो तुम्हारा है टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आया, बात क्लियर है। बच्चा हम देखते थे ना, आओ एक सीरीज आता था डीडी नेशनल पे, आओ करे तारों की सैर, उसी में ये स्टेडियम देखे थे। हाँ, डीडी नेशनल में आता था, आओ करे तारों की सैर, सैटरडे को ना यही सब ब्रह्मांड के बारे में बताता था, और हम एक डायरी रखे हुए थे उसमें पूरा लिखते थे सब कुछ जो बताता था उसमें। तो ऐसा ही धीरे धीरे इंटरेस्ट बना साइंस में, इंटरेस्ट ऐसे ही बनता है ना। तो चल ना, इससे रिलेटेड वो सवाल पूछ सकता है, वो दिखाते हैं, लिख लिया क्या, नहीं लिख लिया, जल्दी लिखो यार, साथ साथ लिखते रहो।
करता किसे। क्या होता है ना कि सपोज ये धरती है, ठीक है, धरती में यहां से अंदर छेद कर दिया, एक टनल बना दिया, पूरा धरती पे एक टनल बना दिया, दिस इज द रेडियस सेंटर, सॉरी, ठीक है। और ये मानो कि दिस इज द पोजीशन मान लेते ए, और बोल तुम्हारा यहां पे, ठीक है, बोल यहां पे है, ये सेंटर है, और यहां पे तुम्हारा स्पीड जीरो है, यहां पे स्पीड जीरो है, ठीक है। अब दूसरा धरती ले लिए, दूसरा धरती है, ये धरती है, और इसका भी छेद कर दिए, ठीक है, ये सेंटर हो गया तुम्हारा, और ये मान लो पॉइंट बी है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे धरती ये है, बॉल है, और इस बॉल पर यहाँ पे स्पीड कितना है, जीरो है। बोलता है कि इसको यहाँ से यहाँ सेंटर पे आने में टी टाइम लगता है, ठीक है, और इसको भी यहाँ से यहाँ सेंटर आने में टी टाइम लगता है, इसको बोलते हैं टी वन टाइम लगता है, ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं टी टू टाइम लगता है, यहाँ से इसको यहाँ आने में टी टू टाइम लगता है, इसको धरती में सेम धरती इस बॉल को यहाँ से यहाँ आने में टी वन टाइम लगता है। तो हमको बोलता है कि बताओ, फाइंड करो कि टी वन बाई टी टू कितना होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताओ कितना होगा, बताओ यहाँ से बी दो ना, यहाँ ये है टी वन, मतलब बी से यहाँ आने का समय लगता है टी वन, सिमिलरली यहाँ ए से यहाँ आने में लगता है समय टी टू। तो अब बताना हमको टी वन बाई टी टू कितना होगा, बताओ जवानंद। देखो अभी क्या बताए, जस्ट बताए हैं कि एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, कहानी सुना दी है उस पर, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड है या नहीं है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहाँ, यहाँ आइए, तो ये स्पीड जीरो है, दैट मीन्स ये क्या, कौन सा पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट, मेन पॉइंट से लेकर एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये एम्पलीट्यूड मान लेते ये एम्पलीट्यूड ए वन हो गया, और ये भी यहाँ से तो ये भी क्या है, जीरो स्पीड है, दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे स्पीड जीरो होता है, तो यहाँ से सेंटर डिस्टेंस ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया ना, इसका इस केस में ये इसका एम्पलीट्यूड है ए टू, और इस केस में ये इसका एम्पलीट्यूड ए वन, और हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, टाइम पीरियड दोनों में सेम होगा, दैट मीन्स आंसर कितना आएगा, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो टाइम पीरियड सेम होगा, इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा, बात क्लियर है, छापो तो ही, छापो जल्दी छापो, नॉट टू गुड, अच्छा नहीं गया उतना, लेवल ऑफ क्वेश्चन इज टू हाई, माई प्रिपरेशन इज नॉट दैट वेल, उस अकॉर्डिंग मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम तो हम क्लास में ही रहते हैं, खुद से कहाँ पढ़ते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जाम, दिसंबर में एग्जाम होगा, सो फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी हार्ड एंड हार्ड, दो एग्जाम अभी देना है मेरे को, यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो उसके लिए अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, और नेट का एग्जाम देना, नेट फिजिक्स का, उसके लिए अपना, तो हम सोच रहे हैं ना कि दो वेव एनोसिएशन चैप्टर है ना, नेट में पूछता है, तो लेवल हाई रहता है, तो हम नेट का वेव एनोसिएशन पढ़ना शुरू करते हैं, तुम लोग को भी थोड़ा सा और से बता देंगे, क्या थोड़ा हाई जान लो, कोई दिक्कत है क्या, ज़्यादा हाई नहीं बताएंगे, थोड़े बताएंगे, उससे ज़्यादा हाई पूछता भी नहीं है, नेट में भी हाई, वेव एनोसिएशन चैप्टर जो है ना बहुत फास्ट चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग था, लेकिन टाइम पीरियड तो दोनों का सेम ही होगा ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है। अच्छा, ये वाला जो कंसेप्ट है, टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, हम लोग आज सामने करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है देवानंद, हम लोग टाइम पास दे करके पूरा एकदम देखेंगे कि टाइम पीरियड और का रिलेशन क्या है, जो हम बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है, ठीक है। जैसे एक बार हम बोले थे तुम लोग को कि हम लोग जो खड़ा रहते हैं, हम लोग का हाइट छोटा होता है, सोते हैं तो हाइट बढ़ जाता है, पता है ना, नहीं पता है। आप
ऐसा थोड़ी है, बता देने बात कि हाइट हम लोग खड़े हैं, हम लोग का हाइट जैसे मान लो खड़े हैं, मेरा हाइट 5 फुट 5 इंच है, सोएंगे ना तो 1 इंच के अप्रोक्स बढ़ जाएगा हाइट। एक घर पर जाकर नाप के देखना, खड़ा होकर नापना, फिर सो जाना 2-3 सेकेंड के बाद फिर नापना, 5-5 5-3 है तुम्हारे ना, 5-5 है। आई एम नॉट टॉल गाय। चलो ठीक है, ये हो गया ना, हम खरीद के लाए वो क्रीम लाए हैं, नो मार्क्स, पता है नो मार्क्स क्रीम के बारे में? यहाँ यहाँ पर दाग है, दिखता है यहाँ पे दाग, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसे हटाने के लिए लाए, अभी तो मेरा दर्द ना ठीक नहीं हुआ प्रॉपरली, सर का दर्द बाइक से। अरे बहुत खतरनाक है ये बाइक वाला एक्सीडेंट। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। कहाँ गया पेनवा, कहाँ गया वो, यहाँ पे ठीक है। तो अब देखो, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन का क्या क्या आता है, लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है ना तुम लोग को, जो हम लोग बताए थे पहला क्वेश्चन टाइप, उसमें पूछता है एक्स क्या होगा, वी क्या होगा, टाइम पीरियड टी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछता है एक्सेलरेशन ए क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वो इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स we use x equals to a sine omega t plus phi naught, ठीक है। v equals to v is equal to omega square a square minus x square, acceleration equal to minus omega square x। ये फॉर्मूला वगैरह हम लोग यूज करेंगे इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। सेकेंड टाइप क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछा जाता है, नहीं लो बस एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किस किससे रिलेटेड, तो वो पूछा जाता है रिलेटेड टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा सवाल के लिए क्या करना पड़ता है ना, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ता है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फोर्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग को एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। इस ये फॉर्मूला यूज करके जो कंडीशन दिया होगा इक्वेशन सवाल में, उसको यूज करते हुए हमको इसको इस प्रकार से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ जो डब्बा में आएगा ना, ये डब्बा में ये वाला चीज एक्स के बगल वाला जितना चीज आएगा, ये तुम्हारा ओमेगा होगा, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। एक्स के बगल वाला जितना आएगा वो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर उस ओमेगा स्क्वायर हमको मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो ये चीज है। फिर यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं और सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/T, तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा इक्वल टू 2π f, मतलब फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो जो दो टाइप का इस प्रकार सवाल हुआ, पहला सवाल हुआ कि x डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, वेलोसिटी पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है, उस टाइप के सवाल के लिए इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरा हो सकता है कि पूछ सकता है टाइम ओमेगा क्या है या टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड के बारे में पूछ सकता है। उस जगह सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना पड़ेगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको फिर सॉल्व करते हुए इस प्रकार का इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। कोई सवाल दिखेगा हमको उसको सॉल्व करते हुए इस प्रकार का सवाल में जाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग सवाल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जब ये ऐसा फॉर्म मिल जाएगा हमको, तो एक्स के पहले वाला जितना ब्रैकेट में होगा सबको ओमेगा स्क्वायर मान लेना है, ओमेगा स्क्वायर से पता चल जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, तो ओमेगा से फिर ये फॉर्मूला यूज करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत देवानंद?
ठीक है। तो ओमेगा और टाइम पीरियड निकालने का, ओमेगा और टाइम पीरियड हमको सवाल का रहेगा, ओमेगा निकालना रहेगा और टाइम पीरियड निकालना रहेगा टी। ये तुम्हारा पहला तरीका है, दिस इज द फर्स्ट मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो और सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो सॉल्व करो। और देखो एक सेकेंड रुकना, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड टू फाइंड ओमेगा या टाइम पीरियड। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको एनर्जी निकालना पड़ता है, एनर्जी का कुछ जो एनर्जी का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। कोई इक्वेशन दे दिया, मतलब ऐसे पेंडुलम दे दिया है, ऐसा पेंडुलम दे दिया है और ये इसका ऐसे ऐसे ऑसिलेशन भी दे दिया है, तो हमको उसमें टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको निकालने के बाद हमको ये बात पता है कि एनर्जी जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी जो होता है तुम्हारा कॉन्स्टेंट होता है। तो जो चीज़ कॉन्स्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, मैथ का रूल है। कोई चीज़ कॉन्स्टेंट होगा उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो होगा, या कोई भी डेरिवेटिव जीरो होगा। इसको डी ई बाई डी टी क्या होगा, यहाँ से जीरो होगा, डी ई बाई डी टी क्या होगा, यहाँ से जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ तुम जब डी ई बाई डी टी जीरो करोगे ना, फिर यहाँ से तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा इक्वेशन मिल जाएगा ऐसा वाला, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऐसा करके ऐसा मिल जाएगा। इसी को जब सॉल्व करके आगे बढ़ोगे तुम, तो ऐसा कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ भी मिलेगा एक्स के पीछे जितना कोफिशियंट है उसको ओमेगा स्क्वायर मान लोगे। सो क्या मान लोगे, ओमेगा स्क्वायर, फिर जाकर के सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। और इसमें आ जाओ, तुम किस क्लास में, इलेवंथ में हो ना, हाँ इलेवंथ वाला बॉय होगा, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड मेथड, ए हल्ला निकलेगा, चुपचाप निकलेगा क्लास से, सेकेंड मेथड है ये। थर्ड मेथड क्या होगा, देखो थर्ड मेथड तीसरा तरीका क्या होता है सवाल सॉल्व करने का, सवाल में पोटेंशियल एनर्जी गिवेन होगा, सवाल में ना भी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, गिवेन दिया रहेगा, ठीक है। सवाल में पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया होगा, गिवेन दिया रहेगा। और उस सवाल में तब क्या करना, पहले मीन पोजीशन फाइंड करना, मीन पोजीशन पहले फाइंड करना। मीन पोजीशन कैसे निकलेगा तुमको, मीन पोजीशन पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। फोर्स का फॉर्मूला तुमको नहीं पता है, हम बताते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डी बी बाई डी एक्स। ये एक्स क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एक्स क्या है, पोटेंशियल। तो यहाँ से तुम डी बी बाई डी एक्स, एक्स नॉट पे ये जीरो कर दो, और यहाँ से तुम एक्स नॉट का वैल्यू निकाल दो, वही तुम्हारा मीन पोजिशन होगा, ठीक है। वही तुम्हारा होगा क्या होगा, मीन पोजिशन होगा। उसके बाद क्या करना, इतना करने के बाद ये हुआ तुम्हारा पहला स्टेप, इसमें थर्ड मेथड में पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना, के निकालना, के के निकालने के क्या करना पड़ता है, सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता है। पता नहीं इससे लेटेस्ट सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा, यदि पूछ दिया तो ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, के निकल गया यहाँ से। जब के निकल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद, फिर तीसरा स्टेप क्या करना, ओमेगा निकालने के लिए कौन होता है, रूट अंडर के बाय एम, तो यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा। जब यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा तो चौथा स्टेप टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू पाई बाय ओमेगा कर देना। तो दिस इज द तरीका, दिस इज द तरीका टू सॉल्व। तो पहला तो ओमेगा निकालने का तीन तरीका बताएं। पहला तरीका क्या बताएं, कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन ये है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसको किसी प्रकार इस फॉर्म में ले जाना है। सवाल में देखेंगे कि कैसे ले जाते हैं, ठीक। और यहाँ से जो मिलेगा ये ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। दूसरा तरीका क्या बताएं, कि यदि सेकेंड मेथड की एनर्जी निकाल लो किसी प्रकार से, और ये मेथड पूछता है, ये आज पूछता है, ये मेथड पूछता है कि एनर्जी निकाल लो, और एनर्जी हमको पता है कॉन्स्टेंट होता है, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ से किसी प्रकार से ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा। तीसरा मेथड जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है,
यदि पता नहीं है, पूछता है नहीं पूछता है, हम लोग देख लेंगे। यदि पूछता है तो उसमें तरीका क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी तुमको गिवन दिया रहेगा। पहला डेरिवेटिव करो एक्स नॉट निकालो, सेकंड डेरिवेटिव करो के निकालो, ओमेगा का के बाय एम वैल्यू पुट कर दो रूट अंडर। दिस इज अ थर्ड तरीका। तो तीन तरीका बताए तुमको, ठीक है।